हेलो एंड हम आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू में हिमाचल प्रदेश पुलिस के बैंड हार्मनी ऑफ द पाइंस के साथ। ये पहला बैंड है, पुलिस बैंड, जिसने नेशनली इतना सक्सेस हासिल किया है। इनको सबसे पहले आम जनता ने हुनरबाज के सेट पर देखा था और उसके बाद उन्होंने बहुत सी उपलब्धियाँ हासिल करी हैं, बहुत से अवार्ड्स, बहुत से रिकग्निशन उन्हें मिले हैं और सबसे अहम रिकग्निशन हम कह सकते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड उन्हें मिला। और अब आगे जाकर ये बहुत से प्रोग्राम्स पर परफॉर्म करने वाले हैं और इन्होंने एक बहुत स्पेशल सॉन्ग कंपोज किया है जिसके बारे में ये आज हमें बताएंगे। और काफ़ी इस बारे में भी चर्चा हो रही है कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने भी परफॉर्म करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में होने वाला है उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, आपका स्वागत करते हैं सर इस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच जैन मैम, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सर, हम सबसे पहले इस पर शुरू करना चाहेंगे कि ये जो बैंड है ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैम, ये 1996 में ये हमारा जो हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा ये शुरू हुआ था। और उस समय क्या था कि जैसे वो पुलिस डिपार्टमेंट में क्या ना कि कोई इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिन रात ड्यूटीज़ हैं, 24/7 है, पुलिस तो काम ही कर रही है, तो पुलिस के लिए ना तो कोई छुट्टी है, ना कोई धूप है, ना सर्दी है, ना ठंड है, तो आपको रहना है। और तभी लोग अपने अपने घरों में अपनी जिसको बोलते हैं कि फेस्टिवल्स को और हर तरह के इवेंट को एंजॉय कर पाते हैं। और ठीक है, ये सौभाग्य भी है हिमाचल, मतलब किसी भी पुलिस के लिए सौभाग्य है कि हम काम करते हैं तो सब लोग एंजॉय करते हैं, तो ये सौभाग्य ही एक तरह का। तो मैं उस समय एक विचार आया और हमारे एक मन को याद करना चाहता हूँ, अभी वो दिवंगत हो गए हैं, श्री बी एस थिंफ सर, तो उनके वो DIG थे, उनको दिमाग में आया कि SSA की फोर्स में एक अपना ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए जो कि टाइम टू टाइम, मतलब हमारे जितने भी फंक्शंस हैं वहाँ जाकर जवानों के लिए परफॉर्म करें लाइन में, और हमारे जो थानों में जो लोग हैं उनको उनका स्ट्रेस फ्री करें। कभी कभी ऐसा है, मनोरंजन का एक अपना एक ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए। और फिर इस तरह से शुरुआत हुई और हिमाचल पुलिस में कुछ लोगों को ढूंढा गया। उस समय इसमें शायद 6 या 7 लोग थे और वो काफ़ी पुराने पुराने सीनियर लोग थे, उसके बाद एक दो लोग अभी बचे हैं, बाकी सब लोग चले गए। तो और जब इस तरह से ये शुरुआत होती है मैम, तो फिर मुझे भी आने का सौभाग्य मिला क्योंकि थोड़ा मुझे भी शौक था, म्यूजिक का और पैशन था, और हम लोग भी स्कूल कॉलेज के ज़माने से थोड़ा म्यूजिक सीखते भी थे, थोड़ा अपने कहीं ना कहीं से सुनते रहते थे, तो एक पता लगा कि ऐसे ऐसे हाँ कुछ है, तो हमने भी ज्वाइन किया थी और हमने अपने सर्टिफिकेट वगैरह दिए, तो किसी तरह से हमको भी आने का सौभाग्य मिलाया। तो फिर ये जर्नी और आगे बढ़ी मैम, तो फिर करते करते पूरे हिमाचल प्रदेश से हमने ढूंढना शुरू किया कि हमारे पास कई लोग कौन है, और हमको 3-4 लोग और मिले और हमारी थोड़ी सी और जर्नी आगे बढ़ी, तो हम 6 साल से 10 हो गए।
तो फिर 10 होने के बाद फिर क्या था, वहाँ पर कोई सिंगर नहीं थे, तो फिर एक और तलाश थी कि कोई अच्छे सिंगर होने चाहिए, बैंड तभी कंप्लीट माना जाएगा और ये हमारा ऑर्केस्ट्रा खाली नहीं तो क्या हो जाएगा। कि उस समय भी हमारा ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हमारे पास, सैक्सोफोनिस्ट बहुत अच्छे थे, गिटारिस्ट बहुत अच्छे थे, ड्रम्स बहुत अच्छा प्ले करने वाले लोग थे, लेकिन सिंगर नहीं थे तो बैंड कम्प्लीट नहीं होता था जी। तो बहुत सारे सिंगर्स के साथ हम काम करते थे। फिर धीरे धीरे एक ऐसा मौका आया कि 2016 में, क्योंकि हम प्रयास कर रहे थे और कि हमको ऑफिशियली गवर्नमेंट से अप्रूवल मिले जी। तो मैम क्या होता है कि पूरे जितने भी डिसिप्लिन फोर्सेस हैं, चाहे वो BSF है, चाहे आर्मी है, जितने भी पुलिस सर्विसेज के लोग हैं, तो हर जगह क्या रहता है मैम ना कि एक बैंड और ऑर्केस्ट्रा रहता है जी। लेकिन बैंड का क्या है कि जब से भारत आजाद हुआ तब से लेके उनको उनको गवर्नमेंट की अप्रूवल है जी। जो ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है, आपने देखा होगा, लेकिन ऑर्केस्ट्रा को पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी रिकमेंडेशन नहीं है, उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं है, बस वैसे ही वो अपना प्ले करते हैं और साथ में ड्यूटीज करते हैं। तो हम भी ड्यूटीज करते थे साथ में, ऑर्केस्ट्रा भी प्ले करते थे जब जरूरत होती। तो जैसे हमको जैसे जैसे हमारी जरूरत होती तो 2 दिन पहले हमको इकट्ठे किया जाता था, कोई कहीं है कोई कहीं है, फिर अपने प्रैक्टिस करके शो करते थे और शो करने के बाद फिर दोबारा से अपनी ड्यूटीज पे चले जाते थे। तो हमने वो प्रयास किया कि कोशिश की और लगातार बार बार हम फाइल पुटअप करते रहे, सब चीज़ें करते रहे और फिर धीरे धीरे बहुत सारे ऑफिसर्स आए। हमारे संजय कुमार साहब थे, उन्होंने बड़ी मदद करी, फिर DGP थे हमारे, और उसके बाद बहुत सारे ऑफिसर्स आए, गोयल साहब आए और बहुत सारे ऑफिसर्स आते गए। फिर एक एक हमारे जो फर्स्ट हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट IPS लेडी हैं जिनका नाम है सत्वंत अटवाल, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई बैंड का एक नाम होना चाहिए, तो हारमनी ऑफ द पाइन जो कि आज इतना हिट हो गया है, जिसको कि अब गूगल पे रिकमेंडेशन मिल गई है, जिसको कि विकिपीडिया वेरीफाई कर रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम वेरीफाइड हैं अब, तो ये आज हारमनी ऑफ द पाइन वेरीफाइड हो गया, ये सत्वंत मैम की देन है, वो हमारे कमांडेंट भी रहे बहुत टाइम तक और उन्होंने उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया इसको। और फिर उसके बाद हमारे DGP संजय कुंडू सर आए, उन्होंने उन्होंने सामने से आके इसमें इंटरेस्ट लिया जी। कि आपके पास हाई क्लास इक्विपमेंट होने चाहिए, आपके पास बहुत सारी ऐसी जो आपको जैसे मान लीजिए सिंगर्स हैं उनके पास अच्छे माइक्स होने चाहिए, कि तो उनका था कि स्वर्णिम कौन से माइक मंगाते हैं, मैंने जो शनाइजर का माइक होता है कम से कम भी 1.5-2 लाख का होगा, वो वाले चाहिए हमको, तो ऐसा इस तरह से सपोर्ट किया। और फिर 2016-17 में गवर्नमेंट से हमको ऑफिशियल अप्रूवल मिली और उसके बाद फिर कोविड का समय आया मैम। कोविड के समय में क्या था कि हमारी टीम थी और टीम क्या ड्यूटीज बहुत ज़्यादा थी, पुलिस का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कोविड के समय में, तो कोविड में सब लोग जैसे घर घर में थे अपने, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली कोविड में कि हम यहाँ प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि घर जाना होता नहीं था। अब ड्यूटी खत्म करी, ड्यूटी खत्म होने के बाद क्या होता था मैम कि उस समय था कि जो ड्यूटीज पे लोग अपने घर में जाए क्योंकि सबको वो फैल जाएगा, सबको स्प्रेड होता था उस समय, ऐसा माहौल था। तो हमने कहा कि इसका फायदा उठाते हैं, तो हमने यहाँ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो हमको ज़्यादा टाइम मिला, 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे की प्रैक्टिस हुई और इसका इतना लाभ हमें हुआ क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें तैयार करी। और सडनली क्या होता है मैम कि हम यहाँ से छोटे छोटे वीडियो, जैसे आपने अभी देखा कि हम वीडियो बना रहे थे, आपके सामने भी चीज़ें हुई हैं, तो ये शॉर्ट लिस्ट करके हम चैनल को भेजते रहते थे। तो उस समय कलर्स TV का एक शो आ रहा था, वह देश की शान, उनको हमने बबहुत सारे अपने वीडियो भेजे और उन्होंने 3-4 शॉर्ट लिस्ट कर लिए और सडन इनका कॉल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी सिलेक्शन हो गई है और क्या आप मुंबई आ सकते हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल जी, आप हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस सर से बात करिए और उनके साथ पत्राचार करिए, वो ऑफिशियल अप्रूवल देंगे तो आएंगे। और ये पूरी हिंदुस्तान ने देखा उसके बाद कि किस तरह से हम गए और बड़ा ग्रेसफुली हिंदुस्तान ने, पूरे देश की जनता ने, हमारे हिमाचल प्रदेश के सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना ग्रेसफुली वर्दी को लिया, इतनी रिस्पेक्ट मुझे नहीं लगता कि शायद वर्दी को मिली होगी, मिलियंस में आपको शेयर कर रहे हैं लोग, इतना इतना प्यार दे रहे हैं, मतलब हम कमेंट्स को लाइक नहीं कर पा रहे थे मैम, तो इतना इतना ज्यादा सबने दिया। और ये वर्दी वाला बैंड बन गया कि हिंदुस्तान में पहला ऐसा बैंड हो गया जो वर्दी में जाके परफॉर्म करता है। मैं तो तेरे पीछे बोलिया। फिर
हुनरबाज की जो आपने अभी बात की, हुनरबाज के बारे में जरा बताइए. जब आपने उसमें परफॉर्म करना शुरू किया, आप लोग थर्ड पोजीशन पे आए वहाँ पर, और आपके परफॉर्मेंसेस को बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, स्पेशली जजेस ने और जो भी आपको सुनते थे. कैसा आपका एक्सपीरियंस था उसमें? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम, क्योंकि हम क्या ना, हमारी कोई प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल सिखलाई नहीं. हम हिमाचल के लोग हैं, बड़े सीधे साधे से लोग हैं, और जितना कि हमें आता है हम उतना ही कर पाते हैं. लेकिन एक चीज़ है हमारे अंदर की सच्चाई है, यूनिटी है, और बड़े जिसको बोलते हैं ना कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है. बहुत आप देखो 2000 से लेकर और ये 2023 खत्म होने को आ रहा है, 23 सालों की जर्नी, और कितने उतार चढ़ाव हमने देखे, कितने ऑफिसर्स बदल गए. कई बार क्या होता है कि फोर्सेज में क्या होता है ना, उनकी कई बार कोई बहुत लाइक करने वाले ऑफिसर आते हैं तो आपको बढ़ावा मिलता है. कई बार ऐसे भी कोई आते हैं जो म्यूजिक को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो कई बार फिर चीज़ें ऐसी भी रह जाती हैं. लेकिन टच वुड की हमें अच्छे ही ऑफिसर्स मिले, सबने हमको बढ़ावा दिया, जितने भी अधिकारी आए सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, और हम कैसे आगे बढ़े, हमारी जिसको बोलते हैं ना हमारी ग्रूमिंग कैसे हो जी, हमारे अंदर निखार कैसे आए और हमारी परफॉर्मेंस कैसे बढ़िया हो सकती है, हमारे इंस्ट्रूमेंट कैसे अच्छे आए. अब आप देखिए हमारे सैक्सोफोन प्लेयर हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, और इनके पास जो सैक्सोफोन है, कभी मुझे अच्छे से याद है, कभी ये 7000 रुपये के सैक्सोफोन में प्ले किया करते थे, आज इनके पास 7 लाख का सैक्सोफोन है. तो चीज़ें बदल गई, और ये डिजर्व करते हैं क्योंकि वो उस तरह के आर्टिस्ट हैं. लेकिन वो चीज़ें उस समय नहीं हुई, तो अब लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं. और अब क्या है कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो उन्होंने किसी मंच पे माइक पकड़ के कहा कि मेरा भी सर फख्र से ऊंचा हो गया जब आपने दादा साहब फाल्के में हिमाचल को रिप्रेजेंट किया, हिमाचल टूरिज्म को रिप्रेजेंट किया, और मैं आप लोगों को इनाम देता हूँ. उन्होंने मतलब सबको रिवार्ड भी दिया. तो ये अपने आप में मैम लगता है कि हम शायद स्टेट के भी काम आ रहे हैं, और आपको और बढ़ावा मिलता है सब चीज़ें करने के लिए जब आप किसी स्टेट के, हमारी स्टेट के मुखिया जो है वो आपको सामने से आगे शाबाशी देते हैं. तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं. आपने आपके एक आर्टिस्ट के बारे में मेंशन किया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके दूसरे जो आर्टिस्ट हैं, आपके सिंगर्स हैं, दोनों फीमेल पर्सन हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए. हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे होंगे दो हमारे पास जो दोनों है, कार्तिक है और कार्तिक शर्मा के साथ दीपू शर्मा, ये दोनों मूछ वाले लड़के हैं और बिल्कुल यंग स्मार्ट लड़के हैं, और दोनों का आपने हुनर देख लिया, आप इनकी गायकी देख ली, पूरे हिंदुस्तान ने देख ली, और बहुत आउटस्टैंडिंग अपने काम में. और खाली गायकी की बात नहीं है, इसके अलावा आप इनको कोई इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए, इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं, और अगर मैं बात करूँ कि उतने ही डाउन टू अर्थ है, ये सारा काम खुद करते हैं अपना. मतलब ऐसा नहीं है कि भी हाँ जी कि अब हम तो ऐसे हो गए जी, टीवी पे आ गए, हम सेलिब्रिटी हो गए, तो हम ये सारा काम खुद करते हैं. आज भी पिटी होती है, आज भी परेड होती है, आज भी ड्यूटी होती है, सब कुछ होता है. तो मतलब जो हमारा जिसको बोलते हैं ना जो रूटीन फॉलोअप, वैसा ही है जैसा एक पुलिस ऑफिसर का, एक आम पुलिस ऑफिसर का होना चाहिए, वैसा होता है. पर साथ में हमारे पास दो ही फीमेल्स हैं, तो दोनों की क्या बात है, बहुत आउटस्टैंडिंग. मैं कहूँगा कि बहुत दोनों अपनी अपनी विधा में बहुत पारंगत है. अगर मैं कृतिका की बात करूँ तो कृतिका पहले भी इंडियन आइडल में जाके आई हैं और उस समय टॉप 10 रही हैं वहाँ पर, और बहुत बहुत ही मधुर गाती हैं और बहुत अच्छा ध्यान रखती है अपनी अपनी गायकी का. साथ में अगर दीपिका की बात करूँ तो बहुत धाकड़ वाइस है, मतलब निकल के आती है, दिखाती है कि मैं हूँ कुछ. तो साथ में मनमोहन शर्मा सिनेमा से आते हैं और बहुत वर्सटाइल सिंगर है, बहुत अपनी अपनी चीज़ों में, मतलब इनका क्या है कि जिसको बोलते हैं ना कि बहुत मासूमियत के साथ गाते हैं. तो और साथ अगर मैं बात करूँ, मेरे पीछे साथ में कशिश हैं, कशिश शांडिल,
जो कि बासिस्ट हैं और छोटा बच्चा है अभी, और इनके साथ ट्रेन दी हुई थी कि नाम कशिश है तो इनको फीमेल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इनकी जहाँ भी जाने की टिकट्स होती है तो वो फीमेल के साथ हो जाती है, फीमेल लिख दिया जाता है आगे। तो बासिस्ट है, साथ में मंजीत है जो कि तबला प्लेयर है हमारे, और मंजीत का मैम मंजीत हमारा तबला प्लेयर है और गोल्ड मेडलिस्ट है अपने, तो अपने काम में बहुत पारंगत है, प्रदर्शनिस्ट है। साथ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेश हैं जो कि लीड गिटारिस्ट हैं और बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और अच्छी बात क्या है कि पुलिस में आने के बाद शुरू किया जी गिटार बजाना, और आके फिर सबके साथ उस लेवल पे जाना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आप पहले से सीख के आ रहे हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन आपने यहाँ आके सीखा, सबके साथ मैच करना, सबके साथ पूरा मतलब बन के रहना, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। साथ में हमारे सब इंस्पेक्टर कुंदन है जो कि दुर्गम क्षेत्र है हमारा ग्याबंग किमौर जिला, जिसको किन्नर के राज जिसको कहते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं और कीबोर्ड बजाते हैं बहुत अच्छा। साथ में हमारे सब इंस्पेक्टर ठाकुर दास हैं जो कि TWICE हैं हमारे बैंड के, और बिल्कुल बहुत गिटारिस्ट तो हैं, साथ में पूरी टीम को शालीनता के साथ जोड़ना, उनका सुबह से शाम तक का ख्याल रखना, वेयर का ख्याल रखना, सारी चिंता वही करते हैं। और साथ में हमारे कांस्टेबल आशीष, ये भी अभी बिल्कुल छोटा जिसको बोलते हैं 20-22 साल की उम्र के हैं, और लेकिन कीज की जो उनको समझ है, जो सेंस है, ये बनाओ किसी किसी को देता है, और ब्लेस्ड हैं ये बच्चे, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। साथ में कमन है जो कि धर्मशाला कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, दाढ़ी इनका घर है, और ड्रम्स बजाते हैं, तो प्रकेशन की बहुत अच्छा हाथ है, बहुत सुंदर, और जिससे कि पूरे बैंड को फिर मतलब पावर मिलती है, पंच मिलता है। और साथ में अगर मैं आगे बात करूँ आपके साथ, तो आगे हितेश भारद्वाज है जो कि अर्की के रहने वाले हैं और प्रकर्शनिस्ट है, ढोलक है, रिदम है, सब चीज़ें बजाते हैं, और बहुत ही अच्छी समझ है, बहुत ही सुंदर समझ है। और ये साथ में नरेश सैक्सोफोन, जिनकी मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, बहुत ही सुंदर आर्टिस्ट है, बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है। तो ये जो पूरी टीम है ना मैम जी, ये नायाब हीरे हैं, और ये ऐसा गुलदस्ता हिमाचल पुलिस को मिला है, और मैं कहूँगा आप तो हिंदुस्तान की पुलिस का ये गुलदस्ता है, हिंदुस्तान पुलिस का ये पहला बैंड हो गया, क्योंकि ये वो टीम है जिन्होंने दादा साहब फाल्के आपके सामने रख दिया है लाकर, जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सामने रख दिया है, जिन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सामने रख दिया है, जिन्होंने की इंडियन पोस्टर का ये स्पेशल कवर आप अगर देखेंगे तो ये था जी मैम जी, तो और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हम हैं, तो इतनी सारी चीजें हो गई, तो ये वो टीम है जिन्होंने हिस्ट्री बदल दी, और इन्होंने अपनी जो इनकी सिंक्रोनाइजेशन है, जो इनकी जुगलबंदी है संगीत की, तो अपने संगीत की जुगलबंदी से भाई इन्होंने किस तरह से पूरे हिंदुस्तान को बांध दिया है, किस तरह से हिमाचल के लोगों को बांध दिया है, और कब ये अपने घर के बेटे से पूरे हिमाचल और हिंदुस्तान के बेटे बन गए हैं, तो आप ये आपके सामने जी। सर जब हम इसकी बात करते हैं कि हमने इतने अचीवमेंट्स किए, अभी आगे आप लोग और भी परफॉर्म कर रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में परफॉर्म करेंगे, जो बहुत बड़ा मंच है आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा मंच है और बहुत बड़ा एक्सपोजर है, और मतलब सच्ची पूछो तो हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम जा रहे हैं गोवा, और उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्योंकि क्या ध्यान में क्या था ना कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अच्छा जी गोवा में है, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी पे कौन होंगे जी, तो ऐसा दिमाग में आता है कि अरिजीत सिंह साहब होंगे अच्छा, या ARRMN साहब होंगे, तो शंकर महादेवन साहब होंगे जी, तो मतलब हारमोनियम का बैंड होगा, हिमाचल का पुलिस का बैंड होगा, तो ये मरने मतलब ये ऐसा लगता है कि जैसे कि जो हमने शायद मेहनत की है, जो शायद हम कोशिश कर रहे हैं, वो फ्रूटफुल हो रही है, और माँ भगवती ने हमारी सुन ली, और ये बहुत बड़ा मंच है, और क्योंकि इस मंच पे जाना और परफॉर्म करना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जी। और सर आप लोग शायद प्राइम मिनिस्टर के सामने भी परफॉर्म करेंगे, ऐसा हमें बस सुनने में आया दिन, क्योंकि जब ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हमको न्योता आया और ऑफिशियल ऑर्डर्स हुए, ये सब चीज़ें हुई, और उनकी तरफ से सारी चीज़ें बैक टू बैक कॉल्स आ रहे थे और टाइप हो रही थी सब चीज़ें, तो उसी समय हम यहाँ बैठे थे और हमारी मीटिंग चल रही थी, हम सेलिब्रेट कर रहे थे इन सब चीज़ों को, तो फिर मैं अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था कि अब तो बस एक बात और थी कि ऐसा हो जाए कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमें बुलाए और बोले कि हर मंजिल दो पाइंस को सुनना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद माँ सरस्वती हमारी जुबान पर बैठी थी और सब, तो उसके बाद अभी 4-5 दिन पहले ही हमको कॉल आया वहाँ से,
और इस तरह से कुछ लाइनअप हुआ है और हम इंतजार कर रहे हैं कि ये फाइनल हो चीजें और हम बहुत जल्दी जाएं। और वैसे हमें कहा गया है कि 10 दिसंबर को ये होने वाला है, तो अगर ऐसा होता है हम तो ये हो रही बहुत बड़ी बात होगी कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने हम परफॉर्म करें, तो ये बड़ी बात होगी। आप लोगों ने एक स्पेशल सॉन्ग भी कम्पोज किया है सर, जिसको आप लोगों ने गाया है और आई थिंक रिकॉर्ड भी किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। तो क्या थॉट क्या था मैम, एक हमारे हिमाचल प्रदेश पालमपुर से एक व्यापारी आते हैं और व्यवसायी हैं वो, तो उनका नाम श्री राजीव जम्बुआ जी, तो उनके उन क्या है कि वो हर फंक्शन में आते थे हमारे और आके उन्होंने सुनना अपनी अपनी धर्मपत्नी के साथ और बच्चों के साथ आना उन्होंने और सुनना, फिर कुछ ना कुछ बातें डिस्कस होती थी। तो वो बोलते थे कि हिमाचल हारमोनी ऑफ द पाइन्स जो वर्दी है ना, ये पूरे हिंदुस्तान का एक गाना होना चाहिए जी। और तो मैंने कहा वर्दी तो मैं कहा अगर बनी है तो तिरंगे के लिए बनी है, तिरंगे की शान के लिए बनी है, तो फिर मैं कहा अगर गाना बने तो कुछ ऐसा बने कि जिसमें हमारे तिरंगे की शान की बात हो, क्योंकि वर्दी का तो एक ही मकसद है कि जो हमारे तिरंगे की शान बस वो बढ़ती जाए, यही मकसद है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा मकसद है, बाकी सब चीज़ें छोटी हैं उसके आगे। तो फिर एक थॉट आया दिमाग में और फिर ये चीज़ें लिखी गई कि शान तिरंगा जान तिरंगा मान तिरंगा है, जान लुटावा सदके जावा अभिमान तिरंगा है, तो फिर इसको कंपोज किया गया। और ये एक मेरे बहुत सीनियर एक राइटर हैं, अहमदाबाद के रहने वाले हैं, गुजरात के और मुंबई रहते हैं, तो उनको मैंने ये भेजा, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया मैं लिखता हूँ, तो उन्होंने बहुत सुंदर इसको लिखा, आपने सुना भी अभी, तो बहुत सुंदर लिखने के बाद फिर आइडिया आया कि अब क्या करेंगे, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जो भांजे हैं जी, उनका नाम है गुरु शर्मा जी, तो फिर उनको कंपोज करने के लिए दिया गया, बहुत सुंदर उन्होंने कंपोज किया। और उन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जमाने के उस समय जो स्टेम पार्ट करते थे मैं, क्योंकि तो बहुत सारे आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट जैसे कि वायलन प्लेयर चेलो प्लेयर ये सब स्टूडियो में आए हमारे सामने और मुंबई हमको जाने का सौभाग्य मिला, सेवन हेवन स्टूडियो में ये सारा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ, वॉइस डब हुई। और फिर हमने कपिल शर्मा जी जो हमारे लाफ्टर किंग है हिंदुस्तान के और पूरे वर्ल्ड के अब तो उनको भी हमने सुनाया, तो उनकी भी इच्छा जाहिर, उन्होंने ये इच्छछा जाहिर की कि मैं इसको हुक लाइन में भी गाऊंगा शान तिरंगा को, तो वो भी इसको गा रहे हैं मैम। तो फिर ये सब चीज़ें हुई और बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ, तो बड़ा मतलब ये आनंद आया। और इसमें हमारे जो डीजीपी है संजय कुंडू सर और EDGP हमारे अभिषेक त्रिवेदी सर, उन्होंने बहुत मदद की हमारी इन सब चीज़ों के लिए और ये सब चीज़ें हो पाई मैम। तो अभी इतना सुंदर ट्रैक बन गया है, तो अब तो क्या है कि ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये मान लीजिए हमने फिर जब हमको मोदी जी के वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपकी परफॉर्मेंस वार की जा रही है उनके सामने, तो मैंने उनको भी ट्रैक भेजा कि अगर आपको ठीक लगता है तो हम चाहेंगे कि ये गाना उनके सामने हम प्रस्तुत करें, तो उन्होंने अप्रूव किया कि ये बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर वॉइस है और कितने बहुत अच्छा लग रहा है और ये बिल्कुल बनता है कि आप उनके सामने सुनेंगे, तो शायद इस तरह से भी छोड़ा है। बहुत 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 खुशी की बात है ये जी। आपने सर पहले बताया कि कितना सपोर्ट आपको सीनियर्स से मिला रहने, सो हम एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहेंगे कि जो आपके DG है कुंडू सर एंड जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से आपको किस तरह से और क्या सपोर्ट मिल रहा है, किस तरह से वो आपको इनक्रेज कर रहे हैं टू अचीव मोर। हाँ जी, मैं छोटी एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैम, जहाँ आप बैठ के आप इंटरव्यू कर रहे हैं जी, इस जगह पे माउंटेड पुलिस रहती थी। ओके, है ना, तो माउंटेड पुलिस का एक छोटा सा विंग था और यहाँ पर अस्तबल था, तो अस्तबल में घोड़े रहते थे जी, तो बड़े बड़े शटर लगे हुए थे और वो सारे फटे पुराने होते थे, तो हमको ये जगह मिली थी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ से अस्तबल शिफ्ट हो गया जी जी कुछ दूसरी जगह के लिए, तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति थी क्योंकि उसके शटर टूटे थे, तो
कुत्ते बिल्लियां आके यहाँ पे बैठ जाते थे, हमको सुबह आके सफाई करनी पड़ती, तो शुरू करते थे। आज आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्टूडियो का माहौल बनाया है, बाहर की वाइस अंदर नहीं आ रही, अंदर मतलब धूल नहीं आती है, और आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला है कि जिसको कि आप अपनी अपनी रिहर्सल को सारा दिन मतलब कैरी ऑन कर सकते हैं, अपने 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 आप को प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब मतलब हमारे अधिकारियों और सरकार की आशीर्वाद के बिना हो ही नहीं सकता था। अगर हमको अधिकारियों का सपोर्ट ना होता, हमारे डीजी सर का, एडीजीपी साहब का, हमारी गवर्नमेंट का सहयोग ना होता, तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती थी। और इतना ज़्यादा सपोर्ट, और अभी क्या इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, मुझे अच्छे से याद है सीएम साहब ने उस दिन कहा कि भाई जैसे किसी के पास अमेजोन है, किसी के पास बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, हमारे पास हारमोनियम था पाइन्स है, ऐसा मैंने कहा। तो मतलब मेरे आपको से मैं रोने वाला था, मतलब ऐसा इतना अच्छा लगा कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, तो फिर मैम फिर आपको भी प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा एक चीज़ और है मेरे दिमाग में कि क्या कि हम बोलते हैं कि भी देशभक्त कौन होना चाहिए। मैं आपके इस मंच से बोलना चाहता हूँ कि देशभक्त कौन है। अब आप कैसे, क्या जो बड़े बड़े काम करते हैं, जो गोलियां खाते हैं, जो सरहद पे लड़ाई कर रहे हैं, तो वो तो देशभक्त ही है ना, तो वो तो, लेकिन उसके बाद हम कैसे देशभक्ति करें? आप अपने घर में रहकर कैसे देशभक्ति कर सकते हैं? सवाल ये है, हर एक हिंदुस्तान का, हर एक भारत का, हर एक प्राणी अपने अपने घर में रहकर, हर एक व्यक्ति कैसे देशभक्ति करें, सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी अपनी जगह रहकर जितनी भी चीजें इस समाज में आगे बढ़ने के लिए बनाई गई हैं, जितनी भी, मान लीजिए कि हमारे घर के बाहर कोई एक पानी का नलका लगा है, वो खुला है, आपने वो नलका बंद कर दिया, तो ये देशभक्ति हुई कि नहीं? आप अपने जहां पे आप रह रहे हैं वहां से भी आप देशभक्ति शुरुआत कर सकते हैं। आपके यहाँ गंदगी फैली है बाहर, आप उसकी सफाई कर रहे, देशभक्ति हुई कि नहीं? तो आपको अपने अपने हिस्से का काम, अपने अपने हिस्से की देशभक्ति अपने अपने आसपास से शुरू करनी है, वही देशभक्ति है जी। तो सबको देशभक्त बनने का मौका है, सिर्फ खाली आपको करना है उसको। तो जो हम जिसको जो काम मिला, जैसे मान लीजिए हमको ये काम मिला हारमोनियम का, हम अपने काम को ठीक ठाक से करें, बड़ी ईमानदारी से करें और बड़ी शिद्दत से करें, और पूरा हिंदुस्तान आपको इतना प्यार कर रहा है, इतना ग्रेसफुली वर्दी को ले रहा है, तो फिर आप बताइए कि इससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है? वेरी वेल पुट, वेरी वेल पुट सर। बस एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे बिफोर वी कंक्लूड दिस इंटरव्यू, आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? अभी तो आप लोगों ने बस शुरुआत ही करी है, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स आपको मिले, अब आगे आप किस तरह से इसे और लेके जाना चाहते हैं? देखो जो ये आप टीम देख रहे हैं, पूरी एनर्जी से भरी पड़ी है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आज भी इनको अभी शो के लिए जाना है, उसके बाद फिर गोवा जाना है, बैक टू बैक रिहर्सल चल रही है, और आपको बड़ी हैरानी होगी, दो दो तीन तीन महीने घर भी नहीं जा पाते हैं कई बार, लेकिन फिर भी सब चीजें मैनेज हो रही हैं। तो क्या है कि अभी जैसे अभी हमने हिमाचल टूरिज्म का एक गीत किया और वो इतना प्यार उसको मिला, मिलियंस में वो चला गया है ना जी। फिर तो अभी हम ये सोचते हैं कि हम किस तरह से अपने हिमाचल को कैसे रिप्रेजेंट करें नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हिमाचल में वो टूरिज्म का बहुत स्कोप जी। हिमाचल की जो सुंदर वादियाँ हैं, किन्नर कैलाश है, यहाँ की हर एक चीज, आप देखिए यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ, और बिल्कुल सादा बन रहे लोगों में, तो ये सब चीजें पूरी दुनिया के सामने जानी चाहिए ताकि लोग यहाँ आकर्षित हो, यहाँ आए। तो एक ये बहुत बड़ा टारगेट है कि अगर हमारा कुछ थोड़ा सा कद बढ़ता है, हमारा नाम बड़ा बढ़ता है, हम ये सब चीजें प्रमोट कर पाए, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के फोक को किसी तरह से हम नेशनल लेवल पे ले जा सके, तो ये एक टारगेट रहेगा। एंड इससे हम यही होप करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इससे और ज़्यादा उपलब्धियाँ आप हासिल करें और आसमान की ऊंचाइयों को और भी छुए जो आपने छुई है, और बड़े पद आप हासिल करें। और इतना भी हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपकी हारमोनियम ऑफ द पाइन्स की वजह से हिमाचल प्रदेश पुलिस को एक नई पहचान मिली, और इसके लिए आई थिंक आपके टैलेंट को आपको और आगे बढ़ाने के आपको और मौके मिले। इसी आशा के साथ हम इस इंटरव्यू को एंड करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद।